हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 79 स्टूडियोज़। आज हम बात करेंगे एसडी कार्ड की। मार्केट में बहुत तरह के एसडी कार्ड्स आपको मिलेंगे, सोनी का, लक्सर का, सैंडिस्क का। तो इनकी अलग अलग जो है एमबीपीएस स्पीड होती है दोस्तों। जो डीएसएलआर में हम यूज़ करते हैं वो कोई 48 एमबीपीएस स्पीड का होता है, मीन मेगाबाइट पर सेकेंड एमबीपीएस। तो कुछ आते हैं 99 अबाउट 90 94। तो मैं मोस्टली ये देख लीजिए, आप 94 का यूज़ करता हूँ अपने में, 94 एमबीपीएस सोनी। और ये दूसरा कार्ड है, ये है सैंडिस्क का 32 GB का, इसका है 48 एमबीपीएस। ये देखिए, आपको शायद दे रहा होगा। तो जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो आप यूज़ कीजिए अबव 90 एमबीपीएस स्पीड के लिए, स्पीड वाला, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, अच्छे वीडियोस के लिए, अच्छी फोटोग्राफी के लिए। आजकल कैमराज में यही यूज़ होते हैं। सीएफ कार्ड भी आते हैं जो इससे बड़े होते हैं साइज में, इसको हम एसडी कार्ड बोलते हैं। तो जो एसडी कार्ड आप यूज़ करो वो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 90 एमबीपीएस की स्पीड से ऊपर वाले ही यूज़ करें। उसमें आपकी क्वालिटी भी बढ़िया आएगी और आपकी जो पुटिंग स्पीड है वो भी अच्छी मिलेगी। तो ये बेस्ट कार्ड है, आप सोनी का भी यूज़ कर सकते हैं, लक्सर का भी यूज़ कर सकते हैं, सैंडिस्क अच्छी कंपनी है सारी। तो अगर आप 90 एमबीपीएस की स्पीड से ऊपर वाला यूज़ करेंगे तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा आपको और बड़ी अच्छी फोटोग्राफी होगी। आई होप आपको ये कार्ड्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।